पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से बीमा भारती आरजेडी के उम्मीदवार हैं, जो लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और अभी गांव-गांव घूम रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बीमा जी, इस बार मुद्दे क्या हैं चुनाव के? लगातार आप चुनाव प्रचार भी कर रही हैं, पहले जेडीयू में थी, अब आरजेडी में आ गई और अभी लोकसभा से चुनाव भी लड़ रही हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और जो हमारे पितातुल है, जो उनका स्नेह प्यार मुझे मिला है, और महागठबंधन का उम्मीदवार मुझे बना करके लोकसभा लड़ने के लिए पूर्णिया में जो उन्होंने निर्णय किया महागठबंधन के सभी नेता ने, उस सभी महागठबंधन के नेता को दिल से हम प्रणाम करते हैं, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, और जनता का सेवा हम करेंगे। जिस तरह से हम रुपौली में सेवा किए हैं, लगातार एक बार नहीं, पाँचवा टर्म मुझे यहाँ के सनह प्यार दे करके विधानसभा भेजने का काम किया है, हमने जनता का सेवा किया है, और 2020 से निर्दलीय से लेकर अभी तक पांच बार मुझे मौका देने का काम किया है, और जिस उम्मीद से हमको जिताने का काम किया, हमने विकास किया है। यहाँ से आपकी लड़ाई किसके साथ है? क्या पप्पू यादव के साथ लड़ाई है या फिर संतोष कुशवाहा से है? हमको किसी से लड़ाई नहीं है, डायरेक्ट हम जनता का अदालत में जा रहे हैं और सभी जनता से सनह प्यार मुझे मिल रहा है भरपूर। पप्पू यादव ने ये कहा है कि टिकट उनको मिलना था लेकिन आपको मिल गया, कांग्रेस में अभी भी हैं वो और उनके घर पर बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हुए हैं, होर्डिंग भी लगे हुए हैं कांग्रेस के। आप कहाँ से कांग्रेस में रहेंगे? आप निर्दलीय नॉमिनेशन कर दिए हैं, महागठबंधन का हुआ धर्म निभाते तो आज मेरे साथ रहते, महागठबंधन के साथ रहते, और इसलिए वो अब कहाँ से, कोई कुछ पार्टी में नहीं है वो। वो कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हो गया। कोई धोखा नहीं हुआ, हमारे महागठबंधन के जो नेता है, जो तय करके मुझे भेजा है, हम उस पर फोकस करेंगे, हम अपने जनता के साथ बीच में रहेंगे। लेकिन अगर वो कांग्रेस का सिंबल लगाकर घूमेंगे, कांग्रेस का झंडा उनके प्रचार में दिखेगा, तो जाहिर सी बात है जनता को तो कन्फ्यूजन होगा ही होगा। बिल्कुल, उस पर जो है कार्रवाई होगा पार्टी की तरफ से, हमारे जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका बयान भी आ गया है, उस पर कार्रवाई भी होगा और पार्टी से निकाला जाएगा। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि हमारे नेता जो हैं वो प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी हैं और हम उनका साथ नहीं छोड़ सकते। उनका जो नेता राहुल गांधी थे और प्रियंका जो प्रियंका जी उनके साथ थे, तो फिर क्यों ने उसका बात मानने का काम किया, क्यों नॉमिनेशन देने का जो है निर्णय लिया, नॉमिनेशन दिया, मानते हैं नेता, नेता का जहाँ आदेश मानते हैं तो नॉमिनेशन नहीं देते, जहाँ महागठबंधन का उम्मीदवार है तो उसका क्या जरूरत था नॉमिनेशन करने का। अच्छा, क्या ऐसा हुआ जो आपको जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आना पड़ा? जहाँ जिस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया, आपके चैनल के माध्यम से हम बताने का काम किए हैं, और सरकार में रह करके जिस तरह से मेरे साथ हुआ है पूरे देश पूरे दुनिया जानते हैं, तो इसको हमको नहीं लगता है कि दोहराने का जरूरत है, और इसलिए हमको जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का असीम कृपा मुझ पर है, और जनता का हम फैसला छोड़ते हैं कि वो किसको लोकसभा में चुनेंगे, और जनता का अदालत में जा रहे हैं। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि वो इससे पहले भी निर्दलीय सांसद यहाँ से रहे हैं और फिर एक बार जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। देखिए, हमने कहा कि निर्दलीय से हमने पूर्णिया के लोकसभा में ही रुपौली विधानसभा आ रहे हैं, तो जनता का सेवा लगातार करते आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूर्णिया भी माँ है, मधेपुरा में भी माँ है, सुपौल में भी माँ है, कहाँ से तय करेंगे, किसको माँ मानते हैं? मेरा भी पूर्णिया धरती है, मेरा भी माँ है, मेरा भी परिवार है, हम भी पूर्णिया के बहू बेटी हैं, हम लगातार सेवा करते आ रहे हैं, तो कहाँ उजाएंगे? और इसमें तो साबित हो गया कि यह बीजेपी का एजेंट बन करके महागठबंधन को हराने का काम करने का उन्होंने निर्णय लिया है। तो क्या उनको वापस ले लेना चाहिए या पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? पार्टी तो स्वतः उस पर कार्रवाई करेंगे ही, पार्टी तो बयान भी आ ही गया है, निकालेंगे ही, बीजेपी के एजेंट बन के काम करने आया है, महागठबंधन के क्षति पहुंचाने के लिए वो आया है। तो आप लगातार घूम रही हैं, जनता का समर्थन कितना आपके साथ है? बहुत समर्थन, आप देख रहे हैं कितना समर्थन है, हमारे सभी कार्यकर्ता है, हमारे एक एक जनता है, और पूर्णिया का जनता का मन बन चुका है महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता।
बोल नहीं सकता। अभी लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जनसंपर्क में हम लगे हुए हैं, हर गांव जा रहे हैं, हर मोहल्ला जा रहे हैं, हर लोग से मिल रहे हैं। लेकिन आपके नेता पर ही पप्पू यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, तेजस्वी यादव और लालू यादव के ऊपर कि उन्होंने धोखा दिया, जबरन ये सीट उन्होंने ले लिया, हमको बोल रहे थे कि आप मधेपुरा चले जाइए। बिल्कुल, पार्टी का जहां निर्णय होगा उसको वहां जाना चाहिए। मधेपुरा तो वहां पर उनका क्षेत्र भी है, वहां से चुनाव भी लड़ रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं। वहां जहां महागठबंधन निर्णय करना चाहिए वहां उसको जाना चाहिए लड़ने के लिए, तो सम्मान के साथ जाना चाहिए, इसमें कहां कोई मत, उसको जाना चाहिए। आप यहां से जो निर्दलीय से जो नॉमिनेशन किए हैं तो जनता जवाब देने के लिए तैयार है, पूर्णिया का जनता ही निर्णय करेंगे फैसला। तेजस्वी यादव और लालू यादव का पूरा आपको समर्थन है? बिल्कुल, हमारे भाई जो आदरणीय तेजस्वी यादव है वो नामांकन में आने का काम किया, हमारे नॉमिनेशन में आए, तो इसलिए हमारे भाई का प्यार, हमारे पिता का प्यार मिल रहा, हमारे माँ और अमरी देवी का प्यार मिल रहा, हमारे जनता का प्यार मिल रहा, एक एक कार्यकर्ता का प्यार मिल रहा, एक एक महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता का सभी का भरपूर प्यार मिल रहा। तो ये थी बीमा भारती जो लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं अपने क्षेत्र में और साफ तौर पर ये कह रही हैं कि पार्टी ने उनको कह दिया है पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि वो बीजेपी का बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। और सीधे तौर पर बीमा भारती ने ये कहा है कि उनका लोगों का समर्थन काफ़ी उनके साथ है और यही वजह है कि उनकी लड़ाई किसी से नहीं है, बल्कि जब रिजल्ट आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है।